हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन और डिस ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में तो अभी तक हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ़ डायरेक्टर्स देख लिया अपॉइंटमेंट यहाँ पे हमने बी शेयर होल्डर्स और फर्स्ट डायरेक्टर इन सब के बारे में बात कर ली पावर्स के बारे में बात कर लिया ड्यूटीज़ के बारे में बात कर लिया, लिया यहाँ पे हमने डेन नंबर के बारे में बात कर लिया तो अब आते ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन और डिस किसी भी डायरेक्टर्स की क्या होती है तो यहाँ पे ये आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर कवर होता है ये टॉपिक सबसे पहले आता है आपका टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट तो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका टर्म कितना होता है द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जब भी आप किसी अपॉइंटमेंट करते हैं डायरेक्टर की तो यहाँ पे फॉलोइंग कंडीशन देखने को मिलती है ओनली अ नेचुरल पर्सन में भी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपका नेचुरल पर्सन है मतलब जिस पर्सन का एग्जिस्टेंस है उस पर्सन को ही यहाँ पर अपॉइंट करेंगे एज अ डायरेक्टर यहाँ पर मतलब कोई आर्टिफिशियल पर्सन का ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलता मतलब किसी कंपनी को हम एज अ डायरेक्टर वहाँ पर अपॉइंट नहीं कर सकते सेकेंड पॉइंट आता है आपका अ पर्सन मे नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अनलेस ही और शी हैज अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब जब भी किसी पर्सन के पास में अगर डिन नंबर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे हम उसको डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट नहीं करेंगे थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है द पर्सन विल रिसीव अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एक्रीडिएटिंग अथॉरिटी और अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर तो यहाँ पे जो पर्सन है उसको वहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और जो भी आपके अथॉरिटी है जो भी एक्रीडिएटिंग अथॉरिटी है उसके बाद में ही हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर इसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखने को मिलता है एवरी पर्सन नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर मस्ट सबमिट और हर डेन एंड डिक्लेरेशन दैट ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी पर्सन जिसको यहाँ पे हम नॉमिनेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो वहाँ पे उसको सबमिट करना पड़ेगा अपना डेन नंबर डेन सर्टिफिकेट जो होगा उसको वो वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा दूसरी चीज़ उसको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो उसका डिक्लरेशन होगा ना वहाँ पर उसे सबमिट करना पड़ेगा अगर उसको वहाँ पर अपॉइंटमेंट चाहता है तो तो ये आते हैं आपके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट कि इन टर्म्स को यहाँ पे हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा उसके बाद ही कोई कंपनी वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकती है किसी पर्सन की यहाँ पर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है एवरी पर्सन एवरी वन विल गिव देयर कंसेंट टू द सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफ फॉर्म डी आई आर नंबर टू बिफोर और आफ्टर हिज और हर अपॉइंटमेंट या तो अपॉइंटमेंट से पहले या फिर अपॉइंटमेंट के बाद में उसको डी आई आर नंबर टू यहाँ पे फिल करके देना पड़ेगा अ पर्सन में नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इफ़ ही और शी नॉट क्वालिफाई अंडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर सब सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन वन कैन नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मोर देन ट्वेंटी कंपनीज एट वन टाइम इंक्लूडिंग एनी अदर डायरेक्टोरेट पोजिशन अब यहाँ पे बोला जाता है कि कोई पर्सन यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता अगर वो यहाँ पे सेक्शन वन सिक्सटी फोर को वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करता अगर आप सेक्शन वन सिक्सटी फोर सबसे वन को यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करते तो वहाँ पर उस पर्सन को वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी अब जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी पर्सन मतलब कोई भी अगर पर्सन है उसको डायरेक्टर बनना है तो वो बीस कंपनी से ज्यादा का मतलब एक टाइम पे वो जो पोजीशन है उसको होल्ड नहीं कर सकता इसके बाद में आपका लास्ट आता है इन एडिशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी अगर हम पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं फॉर विच अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शुड नॉट एक्सीड टेन तो अगर आपका प्राइवेट का कंडीशन है तो प्राइवेट की कंडीशन में आता है कि वो बीस से ज़्यादा वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता और अगर आपकी पब्लिक कंपनी की कंडीशन है तो उसके अंदर देखा जाता है कि वो दस कंपनी से ज़्यादा वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता तो ये आपके सेवन पॉइंट्स है ये फुलफिल होने चाहिए उसके बाद में ही किसी पर्सन की यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट वहाँ पर देखने को मिलती है इसके बाद में आता है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस तो बहुत ही इजी है क्योंकि इसके अंदर एज सच कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी नहीं है एज अ डायरेक्टर तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे द कंपनीज़ एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन हैज़ नॉट येट डिटरमाइंड एनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर तो यहाँ पर एजुकेशनल और प्रोफेशनल कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगी ऑल्सो देट डज नॉट प्लेस क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर और साथ में ही यहाँ पर जो आपके आती है ना क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर ऐसा कुछ मांगा नहीं है डेयर फॉर अनलेस अ कंपनी आर्टिकल कंटेन है प्रोविजन फॉर दैट द डायरेक्टर डज नॉट हैव टू भी शेयर होल्डर अनलेस ही विश टू बी वन वॉलेंटरली बट आर्टिकल यूजली प्रोवाइड फॉर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एलिजिबिलिटी अब इसके अंदर है अगर आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना अगर उसके अंदर कुछ प्रोविजन्स वहाँ पर कंपनी ने मैंशन किया है तो उसको उस प्रोविजन्स को वहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा तो वही उसकी क्वालिफिकेशन वहाँ पर देखने को मिलती है बट अगर हम कोई एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो वहाँ पर कोई भी नहीं है अब इसके बाद में आपका टॉपिक आता है डिसक्वालिफिकेशन जैसे इसकी क्वालिफिकेशन वहाँ पे कुछ मांगा नहीं था बट डिस्क्वालिफिकेशन इसकी बहुत सारी आती है डिसक्वालीफिकेशन के अंदर फर्स्ट आता है आपका अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ़ ही इज अ अनसाउंड माइंड एंड सैन टू डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब वो पर्सन जो है ना वो अनसाउंड माइंड का है मतलब वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा है उसको कुछ मतलब ज़्यादा सम, समझ नहीं आता और ये बात जो है वो कोर्ट के द्वारा भी प्रूफ हो रखी है तो उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन का वहाँ पे एज अ डायरेक्टर हम वहाँ पे अपॉइंट नहीं करेंगे ही इज़ एंड अनडिस्चार्ज इंसॉलवेंट अगर वो वहाँ पर इंसॉलवेंट हो रखा है वो पर्सन का दिवालिया निकल रखा है तो वो भी इसके एक डिसक्वालीफिकेशन देखने को मिलती है ही हैज़ अपलाइड टू बी एडुडिकेटिंग एज एन इंसॉल्वेंट एंड हैज़ एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग अगर उसने वहाँ पर एप्लीकेशन जो इसकी आई थी एप्लीकेशन मनी वहाँ पर जो है वो दोबारा उन लोगों को पे नहीं करी है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी डिसक्वालीफिकेशन देखने को मिलती है ही हैज़ बीन कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्परेटर और अदरवाइज इन सेंटेंस इन स हैज नॉट इलेप्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस मतलब इसके अंदर यह देखा जाता है अगर उस पर्सन ने कोई क्राइम कर रखा है अगर उस पर्सन को वहाँ पे कोर्ट के द्वारा कोई ऐसी पनिशमेंट मिली थी बट वो वहाँ से भाग गया है तो उस कंडीशन के अंदर भी उसकी डिस्कवालिफिकेशन देखने को मिलती है इसके बाद में आता है एन ऑर्डर डिसक्वालीफाइंग हिम फ्रॉम द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज़ हैज़ बीन पास बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट के द्वारा या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा वहाँ पे उसको डिसक्वालीफाई कर दिया है तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको द, वहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते इफ़ ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी शेयर ऑफ़ द कंपनी हेल्प बाय हिम वेदर अलोन और जॉइंटली विद अदर्स एंड सिक्स मंथ हैव इलेप्स फ्राम द डेट लास्ट डेट फिक्स फॉर देमेंट ऑफ़ द कॉल मतलब उसने वहाँ पर जो उसकी कॉल uh, मनी थी ना वहाँ पर उसने उन लोगों को वापस ही नहीं करी उसने पर्सन को वहाँ पर कॉल मनी नहीं दी तो उस कंडीशन के अंदर उसके डिसक्वालीफाइंग हो जाता है ही हैज़ बीन कॉन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन वन एटी एट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रोसीडिंग फाइव ईयर मतलब उसने अगर कोई क्राइम कराए या फिर वो किसी क्राइम में पाया जाता है और जो आपका आता है सेक्शन वन एटी एट के अंदर और जो आपका लास्ट फाइव ईयर्स के अंदर उसका प्रोसीडिंग देखा जाता है और उसके अंदर अगर उसने इस कंडीशन के अंदर कोई क्राइम किया हो तो उसके अंदर वो क्या हो जाता है डिसक्वालीफाई हो जाता है सेकेंड पॉइंट आता है आपका नो पर्सन हु हैज़ बीन और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच हैज़ नॉट बीन फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर एनी कंटिन्यूस पीरियड ऑफ थ्री फाइनेंशियल ईयर मतलब उसने तीन साल से लास्ट वाले तीन साल से अगर उसने कोई फाइनेंशियल पेमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे सबमिट नहीं करी या फिर एनुअल रिटर्न उसने फिल नहीं कराया तो उस कंडीशन के अंदर वो डिसक्वालीफाई हो जाता है हैज़ फेल टू री पे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड एट और पे इंटरेस्ट देर ऑन टू रिडीम एनी डिवेंचर ऑन द ड्यू डेट और पे इंटरेस्ट ड्यू देर ऑन और पे एनी डिविडेंड डिक्लेयर एंड सच फेलियर टू पे रिडीम कंटिन्यू फॉर अ वन ईयर मोर शेल बी एलिजिबल टू री अपॉइंइटेड एज अ डायरेक्टर और डेट कंपनीड इन अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इम द डेट ऑन विच सेट कंपनी फेल्स टू डू सो इसके अंदर है कि अगर उसने कोई भी अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट का वहाँ पे अगर पे नहीं किया है या फिर अगर कोई रिडम्शन ऑन डिवेंचर का अमाउंट है वो उसने अगर वहाँ पर दिया नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर तो उसको डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा इसके बाद में ये जो आपका टॉपिक है ये कम कंप्लीट होता है और इसी के साथ में जो भी आता है आपका क्वालिफिकेशन और डिस्कवालिफिकेशन साथ में हमने देखा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग